हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जीएम फाइनेंशियल का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जीएम फाइनेंशियल में क्या एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है या फिर एक आएगा करेक्शन। स्टॉक आज 2% आपका स्टॉक का आज का प्राइस चल रहा है 92 रुपीज़ 75 पैसा का। तो स्टॉक हम पहले पास का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो स्टॉक का सपोर्ट है नियरली 80 रुपीज़ का, जो कि अगर स्टॉक 80 रुपीज़ के नीचे आता तो स्टॉक फिर से एक डाउन ट्रेंड में रेंज में फंस जाएगा, जो कि नियरली 70 रुपीज़ का रेंज रहेगा, 70 to 80 रुपीज़ का। लेकिन जब तक स्टॉक 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक एक पॉजिटिव ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। तो स्टॉक का ऊपर का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि स्टॉक का रेजिस्टेंस है नियरली 95 रुपीज़ के पास। अगर एक बार स्टॉक में 95 रुपीज़ के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में 100 का लेवल तो ब्रेक होगा ही, लेकिन दूसरा टारगेट रहेगा जो कि हम लोग का नियरली रहेगा 105 to 107 रुपीज़ का, जो कि मेरे को लग रहा है इजीली देखने मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक देखेंगे बहुत टाइम से नीचे की तरफ एक बेस बनाया हुआ था, फिर उसका एक ब्रेकआउट आया, फिर वहाँ पे थोड़ा बड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो स्टॉक में अच्छा खासा कैपेबिलिटी है ऊपर की तरफ रिटर्न देने का। तो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 107 रुपये से लेकर 105 रुपये का। अगर एक बार ब्रेकआउट आता है तो 95 रुपीज़ का।